हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, तो स्वागत है आप लोगों का सेप्टेक एजेस के एक और वीडियो में, और भी बहुत दिनों के बाद। और हाँ, इस एज का नाम है मॉडर्न एंड क्रिएटिव एज। हाँ, मैंने दो एज को एक जगह कर दिया है, कॉज ये एज अब होने वाला है लास्ट एज। इसके बाद कोई एज नहीं, अपना सेप्टेक एजेस की चैप्टर क्लोज हो जाएंगे। एंड डोंट वरी, मैं ऑल द मॉट सिक्स इन स्काई खेलने वाला हूँ। यस, मैं स्काई ब्लॉक वाले मैप ही बनाने वाला हूँ। एक्चुअली बनाऊँगा या फिर किसी के मैप सजेशन में लूँगा, ऐसा अभी तक मैंने डिसाइड नहीं लिया है, बट देखते हैं क्या होगा। अगर मुझे ढंग का मैप मिलेगा तो सही है। व्हाट द हैक यार, नहीं, ये अपना ब्लैक ब्लू नहीं है, ये फेक ब्लैक ब्लू है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हिज अ लेजेंड। ये रहा, ये जगह सही है। बट अपने को थोड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत है। लेट मी चेक। हाँ, इससे भी बना सकता हूँ मैं, इससे ही बना लेता हूँ। तो यहाँ से बना लेता हूँ स्टोन ब्रिक के कुछ दीवारें। आप लोगों को दिखाने के लिए एक टेम्पोरेरी छोटा सा बना रहा हूँ, जस्ट वेट, ये बन ही चुका है एंड जस्ट लाइक दैट। ये इसको मैंने 5x5 ब्लॉक में बनाया है, एक स्क्वायर ही बना है। इसके बीच में रखना है अपना हाइड्रा की एग। ये एग अपने आप हैच हो जाएंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे थोड़े टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि देखने में सही लगे, थोड़ा उजाला उजाला रहेगा। यहाँ पर ट्वीलाइट वाले प्लैंक्स को एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर ये काम करे तो ऐसे। ओके, इससे हम लोग स्टिक्स नहीं बना सकते। ये जो घास का डंजन था उससे मैंने लाया, वहाँ से मैंने लाया है। यहाँ से थोड़े वुड ले लेते हैं, प्लैंक्स, ठीक है, बना लेते हैं अपने लिए स्टिक्स। ऐसे दो प्लैंक्स, ये आ गया स्टिक्स, स्टिक्स और उसके ऊपर कोल, ये आ गया अपना कैंडल या लाइट। यार इस बच्चे का भी क्या परेशानी है, मार के भाग रहा है क्या ही बोलूँ। और ये आखिरी वाला लगा दिया है, नाइस। और ये कीपर भी, ओके, वन शॉट किल। अब एक और चीज़ अपडेट दे देता हूँ कि अपने ओवर वर्ल्ड में एलियंस आ चुका है। यस, तो अपने को स्पेस में जाके उनके बॉस को मारना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे न्यू रेसिपीज आया है, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में ट्वीलाइट फॉरेस्ट पे गया था और वहाँ से मैंने लाया था फेरी ब्लड और नागा की स्केल। तो इनसे हम लोग आर्मर बना सकते हैं, अभी अच्छा आर्मर है। बट द थिंग इज, मेरे पास फेरी ब्लड 23 है, अपने को टोटल 24 चाहिए। नागा की स्केल से मैं बस चेस्ट प्लेट एंड पैंट बना सकता हूँ। सो मैंने फेरी ब्लड से बाकी के आर्मर बना लिया है, बस पैंट को छोड़ के। पैंट जो बनेगा वो नागा के वाले बनेगा, तो देखने में सही लगेगा। रेड कलर के पूरे आर्मर एंड पैंट होगा ग्रीन कलर के। फिलहाल के लिए इन्हें मैं आर्मर स्टैंड पे लगाने वाला हूँ, कॉज मेरे पास अभी बेंडिंग नहीं है और इसमें ड्यूरेबिलिटी ही फिक्स किया गया है। सो जिसके लिए मुझे मेंडिंग की ज़रूरत है, मैं मेंडिंग निकाल के फिर से इस आर्मर को पहन लूँगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। और अभी के जो आर्मर है वो भी काफ़ी ओपी है, ठीक है। अब यहाँ से विलेजर जार, ठीक है, अभी नहीं बना सकता, मुझे विलेजर की भी ज़रूरत है, बाद में जार बना लूँगा, कॉज अपने पास ग्लास नहीं है, ग्लास लाना पड़ेगा, इसके लिए फिर से डेजर्ट जाना पड़ेगा। एड वन मोर थिंग कि इस मॉड के जितने भी एडवांस है उन सब के अपडेट मैं अपनी वेबसाइट पर दे दूँगा। एंड अपने को ऊपर जाने के लिए रॉकेट की ज़रूरत है, आई मीन स्पेस पे, और रॉकेट को चलाने के लिए उसके फ्यूल की भी ज़रूरत है। एक दिन में तो सारी चीज़ें नहीं हो सकता, एंड स्पेशल फूड्स भी लेना है। अच्छा ठीक है, तो एक बार देखते हैं हाइड्रा एक का क्या हुआ। वाह, ये हैच हो चुका है, बढ़िया बात है। ये अपने यहाँ की बेस की बॉडी गार्ड है। यस, ये किसी भी हॉस्टाइल मॉब को देखता है तो उस पर अटैक करते हैं, पीसफुल वाले मॉब्स को भी नहीं छोड़ता, ये किसी को नहीं छोड़ता। अगर ऐसे मारोगे तो ये मर जाएगा, तो फिर से हमें एक वापस मिल जाएंगे। एंड अगर हम लोग इसे कुछ नहीं करेंगे तो ये फिर से हैच हो जाएगा अपने आप। एंड ये ड्रॉप पे बोन्स एंड रॉ बीफ्स देते हैं, ये फूड्स के लिए भी सही सोर्स है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं, ये कभी नहीं मरेगा। एंड डोंट वरी, मैं फूड सोर्स के लिए इसे बार बार नहीं मारूंगा,
कभी कभी मारूंगा जब मुझे खाने की ज़रूरत होगा। एंड अपने को भी न्यू और फाइंड करना है, तो जिसके लिए अपने को जाना पड़ेगा एडवेंचर में। तो चलो निकल पड़ते एडवेंचर के लिए, इट्स एडवेंचर टाइम। ओके, तो एडवेंचर में हमें मिल चुका एक और एलियंस। यस, इस मॉड पैक में बस एलियंस ही है हमारे दुश्मन। अगर हम लोग स्पेस पे जाके इनके बॉस को मार देंगे तो ये लोग भी यहाँ से चले जाएंगे एंड सीरीज की भी एंड हो जाएंगे। पहले मैं वो यूज़ करके देखना चाहता हूँ। ओके, ये कोई भी अटैक नहीं कर रहा, शायद पीसफुल वाले हो गए। ठीक है, बट एक बार मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ स्वॉर्ड से। तो लेट्स चेक। अच्छा ठीक है, मैं इसकी रेंज से बाहर हूँ। चलो इसकी रेंज से अंदर चलते हैं, या डर्ट की नहीं ज़रूरत। चलो उड़न लॉक यूज़ करते हैं एंड आई थिंक अब मार पाऊँगा इसे। यस, अब मारा जा सकता है, बहुत बढ़िया। मर 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 ओके, मर गया। एंड अपना स्कल भी ड्रॉप किया है, तो इसको भी उठा लेते हैं। इस टाइम मैं अपनी बेस से बहुत दूर आ चुका हूँ एंड ये न्यू चंग है। आई थिंक यहाँ पर अपने को न्यू वर्ड मिल जाएगा और एक केव भी मिला है। दिस इज ओके, बहुत बड़ा केव है ये, बहुत गहरा केव है, इसके अंदर नहीं जा सकता। ये रहा एक छोटा सा केव, चलो इसके अंदर। ओके, अपने वेलकम करने के लिए बंदे भी आ गया था, चलो इसे मैंने ही वेलकम कर दिया। और अपने को टॉर्च की ज़रूरत है। ओके, एक और न्यू एलियंस। क्या हुआ, मारेगा? नहीं मार रहा। एंड ड्रॉप पे स्टोन दे रहा है, तो इन्हें मार के कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये पीसफुल है एंड ड्रॉप भी घटिया है। यहाँ पे थोड़े लाइट अप कर देते हैं, कॉज मैं नहीं चाहता कोई पीछे से आके मारे। एंड पहाड़ एक बार देख लिया ताकि कोई एलियंस न्यू एलियंस दिख जाए तो हम लोग उसे फाइट ले सके। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ ही नहीं दिख रहा, बस ये क्या हुआ यार। ओके यार, जल्दी 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 जल्दी, टूट 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 गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया। कम ऑन, ऊपर 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 ले ले। ओके, थोड़े और एक और बार ट्राई करते हैं एंड नाउ लास्ट चांस। कम ऑन, अपना वाटर मुझे दे दे, मेरी वाटर, फिर इसका नहीं मेरा। ठीक है, वाटर भी अपने पास आ चुका है एंड निकलते हैं। दिस इज़ अ लास्ट मिस्टेक, कभी भी ग्रैबल के ऊपर खड़े होकर कुछ तोड़ना नहीं चाहिए। व्हाट द हैक, अपने को माइनक्राफ्ट की रियरेस्ट ओर मिल गया बट अभी तक न्यू ओर नहीं मिला। लो लॉल, सेकेंड रियरेस्ट ओर भी मिल गया फिर भी अभी तक न्यू ओर नहीं दिखने को मिला। और हाँ, डायमंड सेकेंड पे आते हैं एमरल्ड के बाद, नेदरराइट फोर्थ पे आते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, किसी भी जगह पर नहीं है यार, अपना किस्मत ही खराब है, क्या ही बोलूँ। और अपने को थर्ड रियर स्टोर भी मिल चुका है और यहाँ पे बहुत बुरी हालत बना दिया है गुच ने, बस हाफ हार्ट पे जी रहा हूँ। एक मिनट, मेरे पास तो कुछ फ्रूट्स है, कहाँ गया, ये रहा स्ट्रॉबेरी बेरी जूस, तो इसे पीऊँगा तो हाँ अपने को रीजेनरेशन मिल रहा है ओवे टू वाला, तो थोड़े और पी लेता हूँ ताकि अपने को रीजेनरेशन मिलते रहे और हम लोग अच्छे से माइनिंग भी कर पाए। यहाँ से मैं लापिस लजूली उठाने आया हूँ। ओके, तो मैं पता नहीं क्या हुआ मुझे, एक भी न्यू ओर नहीं मिल रहा, तो मैं अपसेट होके यहाँ पे ओर माइन कर रहा हूँ। डायमंड ओर मिल गया तो बहुत अच्छा, कॉज अपना दिल भी थोड़ा खुश हो जाएगा। जब भी माइंड अपसेट हो जाए तो डायमंड ओर ढूंढना सही होगा, कॉज डायमंड की बात ही कुछ अलग है, चाहे जितने भी न्यू ओर आ जाए। ओह कम ऑन, ओके मिल गया अपने को डायमंड। ओह लकी तो नहीं बोल सकता, कर बहुत देर तक माइनिंग किया है उसके बाद मिला है, बट कोई बात नहीं, डायमंड भी लेंगे। उससे पहले कोल ले लेते हैं यहाँ से, कॉज कोल की काफ़ी ज़्यादा काम है, अपने को फ्यूल बनाने के लिए कोल ही ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। चलो आ जाओ, ठीक है अपने पास सब कुछ आ चुका है एंड ये लास्ट। अब चलते हैं डायमंड को माइन करने के लिए, आई होप ये काम कर जाए।
वैसे ठीक है, इनसे लाइट से लाइटें जला सकता हूँ। लेट्स चेक कितना मिलता है। ओके, मुझे 6 डायमंड ऑलरेडी मिल चुका है, मैं क्या बोलूँ। एंड चलो बेस पे वापस चलते हैं, बस यहाँ कोई काम नहीं रहा। कहाँ से मैं निकला था और कहाँ से मैं आ रहा हूँ, इसे कहते हैं माइनक्राफ्ट। इधर उधर घूम घाम के वापस चलो। और इधर देखो ये ज़ॉम्बी, वाओ ये ज़ॉम्बी को मार रहा है और साथ ही साथ पीसफुल वाले एनिमल्स को भी। अपना यहाँ पे कीपर फूटा है या किस्मत ही फूटी है अपनी। ठीक है, वेल डन माय बॉय, अच्छे काम कर रहा है। अच्छे तरह से ऐसे सबको गार्ड कर, जितने भी हॉस्टाइल मॉब आ जाए सबको मार दे। अपना हाइड्रा, ये हाइड्रा से कुछ कर भी नहीं रहा, चलो मैं ही मार देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते इसे, इसकी ज़िंदगी इसकी मर्जी। और हाँ, यहाँ पर एक मॉड पैक ठीक से काम नहीं कर रहा यार, ये चीज़ बहुत इरिटेटेड हो जाता है जब कोई मॉड पैक काम नहीं करता। एंड इसके वीडियो मैं 4 पार्ट के बाद लाऊंगा डाउनलोड वीडियो। फिलहाल के लिए इंजॉय दिस सीरीज। एंड हाइड्रा किसी को भी नहीं छोड़ रहा, ये डेड वाले एनिमल्स को भी। और इधर एक बदसूरत कमान, वाओ चलो एक शॉट मर गया। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्लेप ब्लॉक, पिकैक्स से इसलिए तोड़ रहा हूँ कॉज पिकैक्स में क्या बोलते सिल टच है, तो अब मेरे को डायरेक्ट ब्लॉक मिल जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक को देते हैं स्मेल्टिंग के लिए। ये स्मेल्ट हो भी रहा है एंड यहाँ पे चेक करते हैं, ये आ गया टेराकोटा। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि अगर हम लोग क्लेप ब्लॉक को स्मेल करेंगे तो हमें टेराकोटा मिलेगा। ये सही है, कॉज अपने को बेकार में टेराकोटा लेने के लिए डेडलाइन नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ें बहुत कम लोगों को मालूम है। एंड ये अपना टेराकोटा बन चुका है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ इसे। चलो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाना है, जैसे कि ये दिख रहा है कास्टिंग बैरिन, इसको बनाना है। ये आ गया एक और है स्मेल्टिंग के लिए। और एंड उसके लिए अपने को बकेट चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बनता है। हाँ ये बन गया अपना बकेट। एंड ये आ गया कास्टिंग बैरिन, नहीं ये मेल्टिंग बैरिन, ये जो भी है। तो ये स्मेल्टिंग एंड कास्टिंग दोनों आ चुका है। एंड थोड़े बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स भी ले लिया है। एक छोटा सा जगह बनाने वाला हूँ जहाँ पर इन्हें काम पे लगा सकूँ। एक सबल भी बना लेते, वुडन सबल, बिकॉज ये जल्दी टूट जाएगा, अपना काम भी ख़त्म हो जाएगा, स्पेस भी बच जाएगा। कहाँ देखो, व्हाट द हैक, ये चंग लोड नहीं हुआ या फिर ऐसा होगा ही अगर मैं लकड़ी के घर के पास ऐसे ड्रैगन लेके घूमूंगा तो। हाँ फिर भी कोई बात नहीं, कॉज अपने घर को तो अपग्रेड करना ही था, तो ये आज नहीं तो कल मैं इस घर को उड़ा के अपडेट कर देता, तो कोई बात नहीं, इसके लिए कोई गम नहीं है। बट इसने पेड़ पे सब कुछ जला दिया और सामने एक बदसूरत ज़ॉम्बी मर। और इस कीपर को भी ठिकाने लगा देते हैं, एक तो कीपर से परेशान। और इतने सीरीज में खेल लिया, अभी तक मैंने अपनी बेस एंड बेस की सराउंडिंग एरिया को भी फ्लैट नहीं किया है। एंड ये बन चुका है अपना स्मेल्टिंग प्लेस। हंसना मत, मैं ऐसे बाद में ओपी तरह से बना दूंगा। एंड इसे जैसे प्लेस करोगे तो अपने को थोड़े गाइड बुक मिल जाएंगे। एंड इसको भी प्लेस किया, इसके भी पास चला गया, यहाँ पर भी अपने को मिल गया दो दो गाइड बुक, दो दो टेरियर के लिए। बहुत बढ़िया, हम ऐसे लेना है स्मेल्टिंग वाले पे लावा दे सकते हैं, उसे फूल करना है। अब यहाँ से लेते एक मेल, स्मेल्ट की ऑप्शन पे ला गया, ये चला गया अंदर, तो सही है। ये जो चीज़ है ये स्मेल्टिंग वाले बैरिन में होगा और ये कॉमन वाले बैरिन में हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। और आई थिंक इसके लिए अपने को चाहिए क्या बोलते हैं क्ले ब्लॉक। क्ले ब्लॉक भी आ चुका है, अब बस इसको ओके, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये मेरा पूरा घर जला सकता है तो। अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसकी एक भी उठा लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लैग होगा, कॉज फंक्शन ही कुछ ऐसा है,
इसके लिए कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोन की अपनी मॉड की अपनी फंक्शन है। एंड यहाँ पे अपना आइडेंस मेल हो चुका है, ठीक है, आई थिंक ऐसे नहीं होगा, कुछ काम है इसकी। ओके, तो इसमें बहुत सारे टास्क है, मुझे ऑफ कैमरा थोड़े पढ़ के समझना होगा इन सब को। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, पता नहीं आपको कैसा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा मेगा एपिसोड इस सीरीज़ के। एंड व्हाट द हेक, ये क्या है।